हमारी आंख किस तरह से काम करती है, इसे समझने के लिए यह बेहद सुंदर मॉडल है। इसके लिए एक बड़ी प्लास्टिक की बॉल, एक पीवीसी का पाइप चाहिए। एक्रिलिक शीट पे आप बटर पेपर को चिपकाएं। ये एक स्क्रीन का काम करेगा, एक पर्दे का काम करेगा जिस पर की इमेज बनेगी। उसके बाद में पीवीसी पाइप के किनार के ऊपर आप रबर का गूंद लगाएं, कुछ देर इंतजार करें जिससे कि वो सूख जाए। उसके बाद में एक्रिलिक शीट को उस पर चिपका दें। पर्दा बाहर की तरफ होगा, बटर पेपर वाला। उसके बाद में बड़ी गेंद को आप आधे में काटें, पीछे से थोड़ी सी जुड़ी हो। बाएं हाथ एक बड़ा छेद और दाएं हाथ एक छोटा छेद बनाएं। छोटे छेद के अंदर आप फेवी बॉन्ड रबर का गूंद लगाएं और उसमें 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस चिपका दें अंदर से। और जो बाएं हाथ वाला बड़ा छेद है उसके अंदर आप पीवीसी के पाइप को डाल दें। इस पाइप को हम अंदर घुसा सकते हैं और बाहर को खींच सकते हैं। उसके बाद में आप गेंद के दोनों हिस्सों को बंद करें, जोड़ें और ऊपर से सेलो टेप से उनको पक्की तरह से चिपका दें। अब ये देखिए हमारे आंख का मॉडल लगभग तैयार है। ये जोड़ है आपको दिखाई दे रहा है दाईं ओर, ये वो पीवीसी का पाइप है जिसको हम स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं, और ये वो लेंस है जिससे रोशनी अंदर आएगी। ये देखिए काले पाइप को हम अंदर बाहर करके फोकस कर सकते हैं जिससे कि एक स्पष्ट इमेज बने। अब आप पाइप के से देखिए और लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ, जिस चीज़ को देखना चाहते हैं उस तरफ केंद्रित कीजिए, और आपको देखिए एक उल्टी इमेज दिखाई देगी। यहाँ पर एक आदमी आ रहा है जिसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है। आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। इसमें आप चाहें तो इसको किसी पेड़ की सीनरी पर भी केंद्रित कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर मॉडल है समझने के लिए कि हमारी आंख कैसे काम करती है।